नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाए। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों की। आप देख रहे हैं, ये दृश्य है मणिनगर भैरवनाथ विस्तार का। यहां हर साल बारिश के मौसम में गटर भरने की वजह से 2 से 3 फुट पानी भर जाता है, तक कि यहां के लोगों को भी 2-3 दिन तक गंदा पानी पीना पड़ता है। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भाजपा विधायक का घर है। तो विधायक के घर के आसपास ऐसी परिस्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों की या आम जनता के इलाकों में कैसी परिस्थिति होगी। यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफें, बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। इवन यहाँ के लोगों के 2-व्हीलर्स या 4-व्हीलर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी में भर जाता है, और इस दौर में, इस टाइम पे इतना खर्चा कैसे सहन होगा। ये जो रोड अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इस रोड पर तकरीबन 4 से 5 स्कूल आ चुके हैं, जो अहमदाबाद में ही नहीं पर पूरे गुजरात में जाने माने और नामचिन्ह हैं। तो अभी के टाइम पर ये स्कूल ओपन नहीं है। अगर होता तो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स को काफ़ी तकलीफें सहन करनी पड़ती। इस रोड को एजुकेशन रोड बोला जाना चाहिए, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ परिस्थिति कैसी बिगड़ी हुई है। कई साल पहले हमारे पीएम मोदी साहब भी यहाँ से हर रोज़ गुजरते थे, और जब पीएम जो हमारे मोदी जी हैं वो जब गुजरात के सीएम थे तो मणिनगर के लोगों ने ही उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया और हिम्मत दी थी। पर आज उन्हीं लोगों को ऐसी परिस्थिति झेलनी पड़ रही है, वो आज इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो क्या राज्य सरकार, गुजरात सरकार या केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी? एक स्पेशल रिपोर्ट, आकाश चंदलकर, हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज़, अहमदाबाद।